हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आई एम नकुल। आई एम 4 times नेट एंड 2 times गेट एंड टुडे विल बी डूइंग HP PGT राइटर मॉड। टुडे विल बी डूइंग फ्रॉम HP PGT सिलेबस मॉडर्न फिक्शन में से आज हम करेंगे DH लॉरेंस को। हाँ, DH लॉरेंस HP PGT में इनका वर्क आता है सन्स एंड लवर्स। उसको करने से पहले हम DH लॉरेंस के बारे में थोड़ा सा करते हैं। DH लॉरेंस का बर्थ हुआ था 1885 में और डेथ हुई थी 1930 में। ईएम फोस्टर जो इसके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, उन्होंने इनको ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट भी कहा था। ई एम फॉस्टर कॉल्ड हिम ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट, ये ईएम फॉस्टर ने इनको टैग दिया था, ये याद रखना। और आगे इनकी जो फर्स्ट नोवेल आई थी उसका नाम था द वाइट पिकॉक। और इनकी जो नोवेल्स होती थी ना, इनकी जो नॉवेल्स होती थी उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते थे वो बहुत बार ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर्स करते थे। ये वाइट पिकॉक के अंदर भी साइरिल ब्रेडशॉल नाम का एक कैरेक्टर आता है जो लॉरेंस की खुद के ऊपर बेस्ड होता है। और इसी में इनकी जो थर्ड नॉवेल थी वो थी इनकी सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स इनकी थर्ड नॉवल थी। बीच में एक ट्रेसपासर्स नाम से इनकी सेकंड नॉवल आई थी, उसके बाद थर्ड नॉवल सन्स एंड लवर्स आती है 1913 में। ये पूरी नॉवल, ये नॉवल जो है ये 2 parts में डिवाइडेड है। 2 parts में नॉवल डिवाइडेड है और ये इंग्लिश की फर्स्ट फ्रॉइडियन नॉवल है। ये फर्स्ट इंग्लिश फ्रॉइडियन नॉवल भी कहा जाता है इसको।
फर्स्ट इंग्लिश, फ्रॉइडियन नॉवल। फ्रॉइडियन नॉवल्स क्या होती थी? फ्रॉइड एक साइको एनालिस्ट हुए, सिगमंड फ्रॉइड, उनकी जो थ्योरीज थी उनके ऊपर बेस्ड अगर नॉवल आती थी तो उसको फ्रॉइडियन नॉवल कहते थे। और इसके अंदर फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की, उस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेस्ड सन्स एंड लवर्स हुई। हम करते हैं सन्स एंड लवर्स, ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड नॉवल है, फ्रॉइड की थ्योरी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेस्ड है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो ये नेम डिराइव किया है ऑडिपस, ये ऑडिपस रेक्स नाम से एक ट्रेजेडी थी, ग्रीक ट्रेजेडी, काफी पुरानी। उससे ऑडिपस रेक्स से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम आया। उसके अंदर ऑडिपस रेक्स में ऑडिपस नाम का जो बंदा होता है वो वहां के राजा को मारकर रानी से शादी कर लेता है, एक ट्रेजेडी है ये। और जो रानी से शादी करता है तो उसको बाद में पता चलता है कि ये रानी ही उसकी माँ थी। उस बेस के ऊपर फ्रॉइड ने कंसेप्ट निकाला ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का, कि जब बच्चे की सेक्सुअल फीलिंग्स अपनी माँ की तरफ बहुत ज़्यादा होती है उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फ्रॉइड ने कहा था कि ये हर बच्चे के साथ होता है, कि सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है बच्चा अपनी मदर से, और डॉटर जो होती है वो अपने फादर से, और उसके लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम निकाला। और सन्स एंड लवर्स के अंदर हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो मदर है, पॉल मोरेल जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो मदर है, किस तरीके से इसकी रिलेशनशिप्स के बीच में आती है, और सारी की सारी रिलेशनशिप्स इसकी खराब होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। हमने देखा था टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और ये डेडिकेटेड किसको थी? एडवर्ड गार्नेट को। और ये कौन था? ये एडिटर था इस नॉवल का, सन्स एंड लवर इसने डेडिकेट की थी एडवर्ड गार्नेट को। अब आगे हम इसकी स्टोरी पर चलते हैं। ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, इसको याद रखना। इसमें इसने जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं वो सारे इसके रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर्स पे से है। मदर का कैरेक्टर इनकी मदर के ऊपर, फादर का कैरेक्टर डीएच लॉरेंस के फादर के ऊपर, पॉल मोरेल खुद डीएच लॉरेंस है, और इनकी जो लवर मरियम आएगी इसमें वो जेसी चैम्बर्स इनकी जो रियल लाइफ गर्लफ्रेंड थी उसके ऊपर है। हम आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर आता है पॉल मोरेल का। पॉल मोरेल का जो कैरेक्टर है वो यंग डीएच लॉरेंस के ऊपर ही है। पॉल मोरेल का कैरेक्टर खुद डीएच लॉरेंस है, फिर
इनके फादर का कैरेक्टर जो आता है, पॉल मोरेल के फादर का कैरेक्टर है, वो है वॉल्टर मोरेल नाम से। जो कि इसके रियल लाइफ फादर के ऊपर बेस्ड है, आर्थर लॉरेंस। फिर इनकी मदर का कैरेक्टर आता है, मदर का कैरेक्टर है गर्ट्रूड मोरेल। गर्ट्रूड मोरेल जो है वो इनकी मदर लिडिया के ऊपर बेस्ड है। और मरियम का कैरेक्टर जेसी चैम्बर्स पे बेस्ड है। इनके अलावा भी और भी कैरेक्टर्स हैं, जेसी की सेकंड लवर आती है, एक इसका भाई आता है विलियम, पॉल का भाई होता है ये। ब्रदर ऑफ पॉल। और एक और कैरेक्टर आती है जो इसकी सेकंड लवर होती है, वो आएंगी क्लेरा। अब स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि गर्ट्रूड जो है वो प्रेग्नेंट होती है अपने थर्ड चाइल्ड पे। इनके थर्ड चाइल्ड होने वाला होता है, प्रेग्नेंट होती है गर्ट्रूड। और वॉल्टर और गर्ट्रूड इस बात से परेशान होते हैं कि हम ये बच्चा पालेंगे कैसे, पहले ही हमारे पास दो बच्चे हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की। और गर्ट्रूड को जो विलियम इसका लड़का होता है बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है गर्ट्रूड इससे, और तीसरा बच्चा नहीं चाह रही होती गर्ट्रूड। और इसमें फिर हम फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं, फ्लैशबैक के अंदर हमको पता चलता है कि कैसे पहले जब इनका कोई भी बच्चा था नहीं तब गर्ट्रूड और वॉल्टर बहुत अच्छे से रहते थे। फिर जैसे जैसे इनके बच्चे हुए, दो बच्चे होने के बाद इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और दोनों में लड़ाई बहुत ही ज़्यादा रहती थी। ये दोनों पूरे टाइम लड़ते रहते थे और इस बात से परेशान भी रहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है कुछ भी करने के लिए, कहते इनकी पढ़ाई कैसे करवाएंगे इनका, तो इसकी बहन का तो स्कूल ही छुड़वा देते हैं, इसका फिर भी चलता रहता है। और इनके क्या करते हैं, वॉल्टर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है स्टार्टिंग में। इसमें वॉल्टर की जब स्टार्टिंग में ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं तो गर्ट्रूड सोचती है कि ठीक हो जाएगा, पर वॉल्टर ठीक नहीं होता और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है और अपनी जॉब तक छोड़ देता है ये, और गर्ट्रूड के पर्स तक से पैसे चुराने लग जाता है। इस तरीके की नौबत आ जाती है। और गर्ट्रूड को जब पता चलता है कि वॉल्टर ने ये किया है, तो वॉल्टर को जब वो कहने जाती है कि मेरे पर्स से पैसे क्यों चुराए हैं तुमने, तो वॉल्टर की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गर्ट्रूड को कुछ भी उठा उठा कर मारने लग जाता है रसोई में से। और उसके बाद दोबारा जब हम आते हैं तो इसके एक और बेटा पैदा होता है, जब प्रेजेंट डे में दोबारा आती है स्टोरी, जब इसके एक बेटा पैदा होता है पॉल मोरेल नाम का। ये बहुत ही वीक पैदा हुआ होता है, बहुत ही वीक पैदा हुआ होता है, और गर्ट्रूड इसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। और एक दिन ऐसे ही क्या होता है, इनकी लड़ाई चल रही होती है वॉल्टर और गर्ट्रूड की, और वॉल्टर घर छोड़ के चला जाता है, उसके बाद कभी आता नहीं है ये। तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है
वो विलियम के कंधों पे आ जाती है और विलियम 19 की एज में ही लंदन निकल जाता है। विलियम कहता है कि अब मुझे वहाँ पर जाकर मैं पैसे कमाऊँगा और वो भेजूँगा, और गर्ट्रूड की तो जैसे जान ही निकल जाती है कि मेरा बेटा, मेरा सबसे फेवरेट बेटा जो है, मेरा सबसे फेवरेट बच्चा लंदन जाएगा, मुझसे दूर जाने लग रहा है। तो जब विलियम चला जाता है तब गर्ट्रूड का ध्यान पॉल की तरफ जाता है कि हाँ ये भी तो मेरा बच्चा है, और तब इसको प्यार करना स्टार्ट करती है। और लंदन में उस टाइम क्या होता है, एक स्किन डिजीज़ फैला होता है, उस स्किन डिजीज़ की वजह से विलियम की मौत हो जाती है और गर्ट्रूड लगभग सदमे में चली जाती है। और कॉपिंग मैकेनिज्म इसका ये चलता है कि पॉल को और भी ज़्यादा प्यार से रखने लग जाती है, कहते ये तो पहले ही वीक है, कहते इसको कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना मर जाए, इसलिए पॉल को और ज़्यादा प्यार करने लग जाती है, और ज़्यादा केयर, और ज़्यादा पॉजेसिवनेस इसकी बढ़ जाती है। तो पॉल धीरे धीरे बड़ा जब होता है तो ये एक लड़की से प्यार करना स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है मरियम। मरियम और पॉल प्यार करना स्टार्ट करते हैं, और मरियम को जब ये पता चलता है ना कि कितने ज़्यादा क्लोज हैं गर्ट्रूड और पॉल, मरियम को थोड़ा ठीक नहीं लगता और मरियम क्या करती है, इसे ब्रेकअप कर लेती है। और गर्ट्रूड भी यही चाहती है, इसको यूँ लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो ये इसका फ़ायदा उठा लेंगी जो इसकी गर्लफ्रेंड है, और इसलिए इनकी बजाय ये मेरे पास ही ज़्यादा सेफ है। और इसकी वजह से, गर्ट्रूड की वजह से, इसका पहला रिलेशनशिप नहीं चल पाता। और फिर पॉल क्या करता है, एक क्लैरा नाम की औरत के साथ रिलेशनशिप में आता है, और क्लैरा पहले से ही शादीशुदा होती है, क्लैरा पहले से शादीशुदा होती है, और ये इसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ये सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए पॉल के साथ आती है, और पॉल यूँ चाहता है कि ये अपने पति को छोड़ के मेरे साथ शादी कर ले, पर क्लैरा इस चीज़ के लिए मना कर देती है, कहते देखो अगर जो हमारे बीच में जैसा चल रहा है उस चीज़ के लिए रहना हो तो ठीक है, कहते वरना मुझसे भी अब बात मत करना। तो पॉल क्या करता है, पॉल इससे भी बात बंद कर देता है, इनका भी ब्रेकअप हो जाता है। अब पॉल जो है वो अकेला बच जाता है, और जो गर्ट्रूड होती है उसको कैंसर हो चुका होता है, और कैंसर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है इसके। और पॉल एक दिन क्या करते हैं, पॉल से देखा नहीं जाता कि मेरी माँ इतने ज़्यादा पेन में है, तो पॉल क्या करता है, मॉर्फिन जो है उसको दूध के अंदर मिक्स करता है और अपनी माँ को दे देता है, और ज़्यादा मॉर्फिन लेने की वजह से इसकी मदर की डेथ हो जाती है। और एंड में जो पॉल है वो बिल्कुल लोनली बच जाता है, और वहीं पे नॉवल एंड हो जाती है। नॉवल की एंड में लोनलीनेस और एम्प्टीनेस के साथ ही सिर्फ ये बचता है और अकेला, बिल्कुल अकेला रह जाता है पूरी दुनिया के अंदर। इसकी बहन भी मर चुकी होती है, इसके फादर भी, विलियम भी मर चुका होता है, इसके दोनों लवर्स भी इसको छोड़ चुके होते हैं, और कोई इसको अपनाने को राजी नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि इसकी मदर के साथ इसका ऐसा रिलेशनशिप था, कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव रिलेशनशिप था इसकी वजह से। और एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसके अंदर है, मदर का नाम गर्ट्रूड है, और गर्ट्रूड विलियम शेक्सपियर के हेमलेट जो प्ले है उसमें हेमलेट की मदर का नाम गर्ट्रूड है, ये याद रखना। और फ्रॉयड ने ये कहा था एनालाइज करते हुए हेमलेट को कि गर्ट्रूड और हेमलेट के बीच में जो है वो भी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के लक्षण दिखाई देते हैं, कहते वो भी अपनी मदर्स के लवर से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। क्लॉडियस जो लवर होता है इनका, जिसने हेमलेट के फादर को मार दिया होता है और गर्ट्रूड से शादी कर लेता है, वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और अपनी मम्मी को बहुत बुरा भला भी सुनाता है पूरे प्ले के अंदर कि तुमने क्यों इससे शादी करी, क्यों अपने पिता के मर्डर से शादी करी है, मेरे पिता के मर्डर से शादी करी है, कहते तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम्हें
कहते उसी के भाई से शादी कर ली तुमने, इस तरीके से। तो फ्रॉइड ने इसमें कहा था, और इसने अपनी मदर का नाम इसमें गर्ट्रूड रखा है, ये अच्छे से ध्यान रखना। इसी के बारे में एक दो और वो करते हैं। डीएच लॉरेंस का जो टूम्बस्टोन है उसके ऊपर, उसके डीएच लॉरेंस को नेमलेस ग्रेव मिली है। इनके टूम्बस्टोन के ऊपर पहले कुछ ना कुछ लिखा होता था कि डीएच लॉरेंस, और फिर कोई कोटेशन लिखी होती थी या फिर कुछ ऐसा लिखा होता था, पर इसको नेमलेस ग्रेव मिली थी डीएच लॉरेंस को, और इसकी ग्रेव के ऊपर सिर्फ एक फीनिक्स बना हुआ है। फीनिक्स बना हुआ है पेबल्स से, ये इसकी ग्रेव के ऊपर है। ये भी एक फैक्ट है इसका कि नेमलेस ग्रेव किसकी है जिसके ऊपर फीनिक्स बना हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें डीएच लॉरेंस के ऊपर टिक करना है। और इसकी एक नॉवल थी जो कि 1928 में लिखी गई थी, एक पांच 20 मिनट्स का हो, एक नॉवल थी डीएच लॉरेंस की लेडी, चैटरलेस लवर, ये 1928 में लिख ली गई थी, पर इसको ढंग से पब्लिश किया था 1960 में। उससे पहले तक इस नॉवल के ऊपर बैन था, ये याद रखना। डीएस लॉरेंस की इस नॉवल के ऊपर बैन था। और फन फैक्ट ये है कि जब ये नॉवल आई थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और ब्रिटिशर्स ने इस नॉवल के ऊपर इंडिया में भी बैन लगाया था, और आज तक इसके ऊपर ये बैन चल रहा है, लेडी चैटरलेस लवर। इसका बाकी अब वो भी हो चुका है, इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बन चुकी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है लेडी चैटरलेस लवर नाम से मूवी, अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो। तो ये आज हमारा था डीएच लॉरेंस। आगे भी हम करेंगे और दूसरे राइटर्स भी, ईएम फॉस्टर भी है इसमें, जेम्स जॉयस भी है, उन सबको भी हम एक एक करके करेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। ओके, थैंक यू।